हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई एजुकेशन। वाईफाई एजुकेशन की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क और स्टेनोटाइपिस्ट 2019 के लिए स्पेशल मॉक टेस्ट 4.1, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 40 एमसीक्यूज जीके के जनरल नॉलेज के। इससे पहले सीरीज़ के काफ़ी सारे पार्ट्स आ चुके हैं, अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे तो आप वो भी देख सकते हैं। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क और स्टेनोटाइपिस्ट 2019 के लिए अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है, आप पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ये सीरीज़ बिल्कुल आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होती है। इस सीरीज़ में वही क्वेश्चन इंक्लूड किया जाता है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सो आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो भी कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं उनके पास ये वीडियो पहुँच सके। कहने को तो इस वीडियो में मैं आपको 40 क्वेश्चन करवाऊँगा, बट इनके साथ मिलते जुलते मैं आपको 200 क्वेश्चन और भी करवाऊंगा जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये वीडियो प्योर हिंदी में होगा, यानी कि जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश होगी और जो उच्चारण होगा वो हिंदी में होगा। ये वीडियो मैं आप तक लेकर आ रहा हूँ, मेरा नाम है मोहित गर्ग। सो अब ज़्यादा विलंब ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड, जो INC है ये कब फाउंड हुई थी। इस वीडियो में मैं आपको पहले तो जो क्वेश्चन होगा वो रीड करके बताऊंगा, उसके बाद जो चार ऑप्शन हैं वो आपको रीड करके बताऊंगा, और आपने जो कमेंट बॉक्स में आपने इनको अटेम्प्ट करना है जो हमारे साथ लाइव हैं। और आपके ऑप्शन हैं 18 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885, 11 सितंबर 1901 और लास्ट ऑप्शन है आपका 11 सितंबर 1903। जो INC है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये फाउंड हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, 18 दिसंबर 1885 को बनी थी INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसलिए हमारा राइट आंसर है बी ऑप्शन, 28 दिसंबर 1885। अगर पूछा जाए जो INC है इसको फाउंड किसने किया था, उसका आंसर होगा ए ओ ह्यूम है जो इन्होंने फाउंड किया था जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है INC को, 28 दिसंबर 1885 को। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन, प्यूजिलिस्ट इज अ टर्म यूज्ड फॉर द प्लेयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम। जो प्यूजिलिस्ट है ये एक टर्म यूज की जाती है किसी गेम के लिए, यानी कि प्लेयर के लिए यूज़ की जाती है, किस गेम में की जाती है जो प्यूजिलिस्ट है। आपके ऑप्शन है हॉकी, बैडमिंटन, बॉक्सिंग और बिलियार्ड्स। ये यूज़ की जाती है बॉक्सिंग में, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, बॉक्सिंग के लिए जो टर्म यूज़ की जाती है उसको बोलते हैं प्यूजिलिस्ट। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, बॉक्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सेपियो म्यूटिनी। जब सेपियो म्यूटिनी हुआ था उसमें, उस समय जो हमारे इंडिया के गवर्नर जनरल थे इंडिया के, उनका क्या नाम था उस समय पे। आपके ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लास्ट ऑप्शन है आपका लॉर्ड लाइटन। उस समय जो हमारे गवर्नर जनरल थे इंडिया के उनका नाम है लॉर्ड कैनिंग। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, लॉर्ड कैनिंग थे जब सेपियो म्यूटिनी का जो कंसेप्ट दिया गया था, उस समय जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के उनका नाम है लॉर्ड कैनिंग। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, लॉर्ड कैनिंग। यहीं से एक क्वेश्चन और पूछते हैं, जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आया था, जब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आया था उस समय जो हमारे गवर्नर जनरल थे उस समय के इंडिया के, उनका क्या नाम है, उनका नाम है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने ही पेश किया था जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का केस है। ये भी आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रख लीजिए, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ हड़प्पन साइट हैज़ बीन फाउंड अलॉन्ग द। जो लार्जेस्ट कंसंट्रेशन है जो हड़प्पन साइट का, ये किस रिवर के कंडे पर मिली थी सबसे ज़्यादा। आपके ऑप्शन है घाघरा और हाकरा रिवर, उसके बाद सतलुज, इंडस और रावी। जो लार्जेस्ट कंसंट्रेशन है हड़प्पन साइट्स का, ये फाउंड हुआ था घाघरा और हाकरा रिवर पर। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, घाघरा और हाकरा रिवर पर जो लार्जेस्ट कंसंट्रेशन है हड़प्पन साइट का वो मिला था, फाउंड हुआ था। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, घाघरा और हाकरा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सी एजेंसी है जो यूनाइटेड नेशंस का मेंबर नहीं है या पार्टनर नहीं है। आपके ऑप्शन है यूनेस्को, उसके बाद सेकंड है वर्ल्ड बैंक, थर्ड है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और लास्ट ऑप्शन है आपका यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका नाम है
इंटरनेशनल अटोमिक एनर्जी एजेंसी, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, इंटरनेशनल अटोमिक एनर्जी एजेंसी जो है ये अधीन नहीं आता है यूनाइटेड नेशंस के, यानी कि ये एजेंसी नहीं है यूनाइटेड नेशंस की, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, इंटरनेशनल अटोमिक एनर्जी एजेंसी। जो वर्ल्ड बैंक है ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये लोकेटेड है वॉशिंगटन डी सी में, वॉशिंगटन डी सी में ही लोकेटेड है IMF का हेडक्वार्टर। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिए IMF और वर्ल्ड बैंक का, दोनों का हेडक्वार्टर जो लोकेटेड है वो लोकेटेड है वॉशिंगटन डी सी में। जो वर्ल्ड बैंक है इसके जो रिसेंटली प्रेजिडेंट बने थे उनका नाम है डेविड मलपास, डेविड मलपास जो हैं ये रिसेंटली प्रेजिडेंट बने थे वर्ल्ड बैंक के, ये भी याद रखिए। अगर पूछा जाए जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है इसका जो हेडक्वार्टर लोकेटेड है वो कहाँ पर लोकेटेड है, उसका आंसर होगा वीना, वियना जो है ये ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, ये भी आपने याद रखना है, ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वो उसका नाम है वियना, यहाँ पर लोकेटेड है हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन, विच काइंड ऑफ मिसाइल इज ब्रह्मोस, जो ब्रह्मोस है ये किस तरह की मिसाइल है, किस टाइप की मिसाइल है, आपके ऑप्शन है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, सेकंड है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, थर्ड ऑप्शन है शॉर्ट रेंज टैक्टिकल मिसाइल, लास्ट ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन अल्ट्रासोनिक क्रूज मिसाइल। जो ब्रह्मोस है ये मिसाइल है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इसलिए इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो ब्रह्मोस है। जो ब्रह्मोस नाम है ये दो रिवर से मिलकर बना है, इंडिया की एक रिवर है जिसका नाम है ब्रह्मोस, ब्रह्मपुत्रा रिवर, उसके बाद जो मोस है ये बनता है रशिया की एक रिवर है जिसका नाम है मॉस्कोवा रिवर, मॉस्कोवा रिवर जो है रशिया की है, यानी कि इंडिया और रशिया की हेल्प से बनाई गई है जो ये ब्रह्मोस मिसाइल है, ये भी आपने याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछते हैं जो ब्रह्मोस मिसाइल है इंडिया ने किसकी हेल्प से बनवाई है, ये बनाई है रशिया की हेल्प से, दो नदियों के नाम से बनी है जो ये ब्रह्मोस मिसाइल का नाम बना है, इंडिया की है ब्रह्मपुत्रा और जो रशिया की है उसको बोलते हैं मॉस्कोवा रिवर, ये भी याद रखिए। रशिया की जो कैपिटल है वो मॉस्को है, कन्फ्यूज नहीं होना है, ये मॉस्कोवा रिवर है वहाँ की, बट कैपिटल भी आपने याद रखना है, जो मॉस्को है ये कैपिटल है रशिया की। आपसे इसकी रेंज पूछा जा सकता है, यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल की जो रेंज है वो कितनी है ये पूछा जा सकता है, इसकी जो रेंज है वो है 450 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर तक रेंज है इस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की, ये भी आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेंज वाला क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं, सो याद रखिए 450 से लेकर 600 किलोमीटर तक रेंज है जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेवन नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी, दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सी जो यूनिट है एनर्जी की नहीं है, आपके ऑप्शन है कैलोरी जूल, उसके बाद थर्ड ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन वॉलेट, लास्ट ऑप्शन है आपका वॉट। दिए गए चार ऑप्शन में से जो एनर्जी की यूनिट नहीं है वो है वॉट, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन वॉट, वॉट जो है ये पावर की यूनिट है, पावर की यूनिट है जो वॉट है, ये भी याद रखना है आपने। इन्होंने पूछा है जो एनर्जी है इसकी यूनिट कौन सी नहीं है, जो कैलोरी भी है उसके बाद ये वर्क होता है, वर्क की यूनिट होती है जाउल, इसलिए जो वर्क होता है एनर्जी के अंदर ही आता है, इसलिए इसको भी कंसिडर किया जाएगा एज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, इसलिए हमारा आंसर है डी ऑप्शन वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट्थ नंबर क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स द डेप्थ ऑफ द ओशन, कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ किया जाता है जो समुद्र की जो गहराई होती है उसको मापने के लिए, आपके ऑप्शन है फैथोमीटर, गैल्वेनोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। जो डेप्थ ऑफ द ओशन होता है इसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं हम उसको बोलते हैं फैथोमीटर, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, फैथोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है ये यूज़ किया जाता है जो डेप्थ होती है यानी कि डूंघाई होती है समुद्र की उसको मापने के लिए, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन फैथोमीटर। मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट हैं उन पर एक वीडियो रिकॉर्ड की है जिसका मैं लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसको जरूर देखिए, कम से कम एक क्वेश्चन आपके पेपर में आने की पूरी पूरी संभावना है, चाहे आप PSPCL का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क का एग्ज़ाम दे रहे हो, बात एक ही है क्योंकि दोनों की जो GK है उसका पैटर्न बिल्कुल सेम आएगा, बस एक फ़र्क है इसमें जो करंट अफेयर हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क का एग्ज़ाम है, जो PSPCL का एग्ज़ाम होता है उसमें ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं पूछे होते हैं, इसलिए आपने इस वीडियो को जरूर देखना है। जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट हैं मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी 2-3 दिन पहले, उसका लिंक है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो जरूर देखिए, कम से कम एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम जो हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, सो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9th नंबर क्वेश्चन, विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बार्ले इन इंडिया, कौन सी स्टेट है जो बार्ले का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है इंडिया में, आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, राजस्थान और लास्ट है कर्नाटका। बार्ले का जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है स्टेट
वो है उत्तर प्रदेश। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, उत्तर प्रदेश का जो प्रोडक्शन है बार्ले का सबसे ज़्यादा है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश। जितने भी इंपॉर्टेंट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं इंडिया के वो सारे के सारे मैं आपको बता देता हूँ, जल्दी से रिपीट करा देता हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था जब चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क का एग्जाम हुआ था 2016 में, 2016 में हुआ था लास्ट ईयर, उसमें एक क्वेश्चन इस टॉपिक से जुड़ा आया था, इसलिए मैं सारे के सारे जो हैं वो आपको रिवाइज़ करा देता हूँ। जो ये डाटा मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर वेलफेयर की साइट से लिया गया है, इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर आपका ये क्वेश्चन गलत माना जाता है तो आप इसे ऑफिशियली क्लेम भी कर सकते हैं, अगर वो नहीं मानते आपका आंसर। इसलिए जो मैं आपको ये प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको यही मानना है और यही आंसर मार्क करना है और यही आपके पेपर में मान्य होगा। देखिए सबसे पहले आता है तंबाकू, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो करता है तंबाकू की वो करता है गुजरात, गुजरात इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ तंबाकू। उसके बाद ग्राम, ग्राम यानी कि चना, चना का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है ग्राम की। उसके बाद पल्सेस, पल्सेस यानी कि दालें, दालें का भी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस। उसके बाद नेक्स्ट आती है राइस यानी कि चावल, चावल का जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है वो करता है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल करता है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट देखिए शुगर केन यानी कि गन्ना, गन्ना का सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन करता है वो करता है उत्तर प्रदेश, इसलिए इन्होंने ई गन्ना ऐप भी लॉन्च की थी रिसेंटली, आप सभी को पता होगा अगर आपने करंट अफेयर देखे होंगे, प्रीवियस आई थिंक 15-20 दिन हो गए, उस दिन इन्होंने एक ऐप लॉन्च की थी जिसका नाम है ई गन्ना ऐप, ये भी इन्होंने ही लॉन्च की थी उत्तर प्रदेश के सीएम ने, ये भी आपने याद रखना है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए ज्वार, ज्वार का जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है वो करता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार, ये याद रखिए इंपॉर्टेंट है, ज्वार का काफ़ी बार एग्जाम में पूछते हैं। नेक्स्ट देखिए मेज़, मेज़ का जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है वो करता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेज़। नेक्स्ट आता है कॉटन, कॉटन का जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है वो करता है गुजरात, गुजरात इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। नेक्स्ट देखिए मस्टर्ड, मस्टर्ड का जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है वो करता है राजस्थान, राजस्थान जो है ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है मस्टर्ड को, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा राजस्थान। नेक्स्ट देखिए व्हीट यानी कि कनक, जो कनक है इसकी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है उत्तर प्रदेश यूपी, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखिए सनफ्लावर, सनफ्लावर यानी कि जो सूर्यमुखी के फूल होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन सा स्टेट करता है, वो है कर्नाटका, कर्नाटका इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सनफ्लावर। नेक्स्ट देखिए ग्राउंड नट, ग्राउंड नट का जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है वो करता है गुजरात, इसको याद करने के लिए आप देखिए जे वी जी से स्टार्ट होता है और जे वी जी से स्टार्ट होती है स्टेट, इसलिए आप ऐसे लिंक करके याद रख सकते हो, ग्राउंड नट, ग्राउंड नट का जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है वो करता है गुजरात। नेक्स्ट देखिए मिलेट्स, मिलेट्स जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है वो करता है राजस्थान, राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स। नेक्स्ट देखिए सोयाबीन, सोयाबीन का जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है वो करता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन। नेक्स्ट देखिए मिल्क यानी कि दूध, दूध का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश करता है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का, दूध का। नेक्स्ट देखिए कोकोनट, कोकोनट जो है ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है केरला, केरला इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है याद रखिए, कोकोनट वाला भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछते हैं। नेक्स्ट देखिए कैश्यू नट यानी कि जो काजू होते हैं उसके, उसका जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है वो करता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कैश्यू नट। नेक्स्ट देखिए क्यूमिन, क्यूमिन तो काफ़ी बार आपने देखा भी होगा ये क्वेश्चन, तो क्यूमिन का जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है वो करता है गुजरात, गुजरात इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ क्यूमिन। नेक्स्ट देखिए टर्मेरिक, टर्मेरिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट करते हैं, टर्मेरिक है जो इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है वो करता है तेलंगाना यानी कि हल्दी, हल्दी बोलते हैं जो टर्मेरिक होता है पंजाबी में, मैंने यहाँ पर लिख दिया है हल्दी, हल्दी का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है तेलंगाना, ये भी इंपॉर्टेंट है याद रखिए। नेक्स्ट देखिए चिलीज यानी कि मिर्च, मिर्च का जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है वो करता है तेलंगाना, तेलंगाना जो है ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है चिलीज की यानी कि मिर्च की। नेक्स्ट देखिए पेपर, पेपर जो है ये है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर केरला, केरला इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पेपर। नेक्स्ट देखिए मीट यानी कि जो मांस होता है इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन सी स्टेट करती है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मीट। नेक्स्ट देखिए बार्ले, बार्ले मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन में भी बताया था ये है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश जो है ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है बार्ले के, ये भी इंपॉर्टेंट है याद रखिए। सो ये थे सारे के सारे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कम से कम एक क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है इस टॉपिक से, इसलिए आपको इनके स्क्रीनशॉट ले लेने हैं और अपने जो मोबाइल की होम स्क्रीन होती है उस पर लगा लेना है ताकि आपको बहुत जल्दी से याद हो जाएंगे। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है
कि आपने इसको होम स्क्रीन पर लगाना है, आपको 100% सारे के सारे बहुत इजीली याद हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए 10th नंबर क्वेश्चन, 10th नंबर क्वेश्चन, नेशनल डिफेंस एकेडमी इज सिचुएटेड एट, जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, यानी कि कौन सी स्टेट, यानी कि इन आएगा यहाँ पे, ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, ये है आपके ऑप्शन महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, राजस्थान और कर्नाटक। ये जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है ये लोकेटेड है महाराष्ट्र में, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, महाराष्ट्र में लोकेटेड है जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक विलेज है जिसका नाम है खड़कवासला, खड़कवासला जो विलेज है यहाँ पर ये जो एकेडमी है वो लोकेटेड है। जो खड़कवासला विलेज है ये पुणे के अंडर आता है, पुणे शहर है एक महाराष्ट्र का, इसके अंडर आता है जो खड़कवासला विलेज है। काफ़ी बारी क्या करते हैं आपको ऑप्शन में खड़कवासला दे देते हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बात एक ही है, क्योंकि महाराष्ट्र का एक सिटी है जिसका नाम है पुणे, पुणे के अंडर आता है खड़कवासला विलेज, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो आपने खड़कवासला ऑप्शन मार्क करना है अगर ये ऑप्शन गिवन है, अगर स्टेट पूछी गई है तो आपने महाराष्ट्र को टिक करना है। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, विच सिटी इज नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, कौन सी सिटी है जिसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है, आपके ऑप्शन है बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद और लास्ट है लखनऊ। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया जो है वो है बेंगलुरु, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन, बेंगलुरु को कहा जाता है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, इसलिए राइट आंसर है ए ऑप्शन बेंगलुरु। बेंगलुरु को साइंस सिटी भी कहते हैं और स्पेस सिटी भी कहते हैं, स्पेस सिटी भी कहते हैं बेंगलुरु को, ये भी याद रखिए, और इसरो का जो हेडक्वार्टर लोकेटेड है वो भी लोकेटेड है बेंगलुरु में, ये भी याद रखना है। जो इसरो है इसके जो प्रेजेंट में चीफ है उनका नाम है के सिवन है जो चेयरमैन है इसरो के, इसके साथ मिलता जुलता एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। इसके जो प्रेजेंट चीफ है उनका नाम है जी सतीश रेड्डी जो हैं, ये चेयरमैन हैं डीआरडीओ के डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के, ये भी याद रखिए, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, अर्जुन अवार्ड इज गिवन फॉर, जो अर्जुन अवार्ड है ये किसको दिया जाता है, यानी कि किस कैटेगरी में दिया जाता है, आपके ऑप्शन है ब्रेवरी इन बैटलफील्ड, उसके बाद सेकंड ऑप्शन है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स, थर्ड ऑप्शन है एक्सेप्शनल सर्विस इन एमरजेंसी, लास्ट ऑप्शन है आपका सोशल वर्क। जो अर्जुन अवार्ड है ये दिया जाता है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा बी ऑप्शन, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स में दिया जाता है जो अर्जुन अवार्ड है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा बी ऑप्शन, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स। दो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर और बता देता हूँ, एक है अशोक चक्र, एक है परमवीर चक्र, यानी कि अशोक चक्र एक है परमवीर चक्र, दोनों क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। जो अशोक चक्र है ये ब्रेवरी के लिए हाईएस्ट अवार्ड है, यानी कि ब्रेवरी के लिए पूछा जाए हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है, ये दोनों ब्रेवरी के लिए हाईएस्ट अवार्ड हैं, यानी कि दोनों अशोक चक्र और परमवीर चक्र। मैं आपको बताता हूँ कौन सा अवार्ड कब दिया जाता है, अगर पीस की बात की गई यानी कि शांति के साथ बात की गई हो तो अशोक चक्र हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है, अगर वॉर के टाइम में दिया जाए अवार्ड उसको बोलते हैं परमवीर चक्र, ड्यूरेशन ऑफ वॉर, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर तो बात की जाए अशोक चक्र की तो आपको पता लग जाएगा कि पीस टाइम में ये अवार्ड दिया गया है, अगर वॉर टाइम की बात की जाए तो आपने याद रखना है परमवीर चक्र जो है ये अवार्ड हाईएस्ट अवार्ड दिया जाता है, ब्रेवरी के लिए दिए जाते हैं ये दोनों अवार्ड, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 13th नंबर क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इन द वर्ल्ड, जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी वर्ल्ड की उनका क्या नाम है, आपके ऑप्शन है श्री मावो बंदर नायक, विगदिस फिनबो गैदोतित्र, थर्ड ऑप्शन है आपका मैरगेट थैचर, लास्ट ऑप्शन है आपका गोल्डा मीर। जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी वर्ल्ड की, यहाँ पर इंडिया की बात नहीं की गई है, यहाँ पर बात की गई है वर्ल्ड की यानी कि पूरे विश्व की, जो वर्ल्ड की पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी उनका नाम है विगदिस फिनबो गैदोतित्र, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा बी ऑप्शन, विगदिस फिनबो गैदोतित्र ये बनी थी वर्ल्ड की पहली प्रेसिडेंट, ये याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बारी पूछते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो आपने कन्फ्यूज नहीं होना है, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट में फ़र्क है। जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बनी थी उनका नाम है विगदिस फिनबो गैदोतित्र, और जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनी थी उनका नाम है श्री मावो बंदर नायके, जो श्री मावो बंदर नायके हैं ये फर्स्ट पीएम बनी थी वर्ल्ड की, और जो विगदिस फिनबो गैदोतित्र है ये वर्ल्ड की फर्स्ट प्रेसिडेंट बनी थी, ये बनी थी आइसलैंड की,
आपने कंट्री भी याद रखनी है, काफ़ी बारी कंट्री भी पूछ लेते हैं, इसलिए आपने याद रखना है जो विगदिस फिनबो गैदोतिर है ये आइसलैंड की पहली प्रेसिडेंट बनी थी, ये बिल्कुल याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये श्रीलंका की बनी थी, जो श्री मावो बंदरनायके हैं ये वर्ल्ड की पहली प्राइम मिनिस्टर बनी थी, श्रीलंका की बनी थी, ये भी याद रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ इंडिया। दिए गए चार ऑप्शन में से जो ओल्डेस्ट सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है उसका क्या नाम है? आपके ऑप्शन है असम राइफल्स, उसके बाद ITBP यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, थर्ड ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन SSB शस्त्र सीमा बल, लास्ट ऑप्शन है आपका CRPF। ये आपके चार ऑप्शन हैं। जो ओल्डेस्ट सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ इंडिया है उसका नाम है असम राइफल्स, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन, असम राइफल्स जो है ये ओल्डेस्ट सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है इंडिया की, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन, असम राइफल्स। रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया है जिसमें ये कह रहे हैं कि ITBP प्लस असम राइफल्स इन दोनों को कंबाइन किया जाएगा यानी कि मर्ज किया जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो असम राइफल्स हैं ये किसके साथ मर्ज होने जा रहे हैं, ये होने जा रहे हैं ITBP के साथ, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के साथ, और पूछ सकते हैं इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस किसके साथ मर्ज होने जा रहा है, उसका आंसर होगा असम राइफल्स, इसलिए आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में जरूर देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन, द एयर फेस्ट 2019 वाज हेल्ड इन विच सिटी बाय द इंडियन एयरफोर्स। जो एयर फेस्ट है 2019 का, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, पाँच छः क्वेश्चन मैं आपको करंट अफेयर्स के करवाऊंगा क्योंकि पाँच छः छः क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से जरूर आएंगे आपके एग्जाम में। जो एयर फेस्ट 2019 है ये इंडियन एयरफोर्स ने हेल्ड किया है कौन सी सिटी में? आपके ऑप्शन है नागपुर, कोलकाता, न्यू दिल्ली, लास्ट ऑप्शन है आपका बेंगलुरु। जो एयर फेस्ट है ये हुआ है नागपुर, महाराष्ट्र में, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन, नागपुर जो लोकेटेड है महाराष्ट्र में। अगर पूछा जाए कौन सी स्टेट में, उसका आंसर होगा महाराष्ट्र, इसलिए आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अगर पूछा जाए सिटी, उसका आंसर होगा नागपुर, अगर पूछा जाए स्टेट, उसका आंसर होगा महाराष्ट्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आप अपने एग्जाम में जरूर देखोगे क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनर पूछता है। नेक्स्ट देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन, द डिफेंस इनोवेशंस कॉन्फ्रेंस डेफ कनेक्ट 2019 वाज हेल्ड इन विच सिटी। जो डेफ कनेक्ट हुई है यानी कि डिफेंस की जो इनोवेशन कॉन्फ्रेंस हुई है 2019 की, इसको किस सिटी ने होस्ट किया है? आपके ऑप्शन है लखनऊ, न्यू दिल्ली, देहरादून, लास्ट ऑप्शन है आपका बेंगलुरु। जो डिफेंस इनोवेशंस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसको बोलते हैं डेफ कनेक्ट 2019, इस ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है ये हुई है न्यू दिल्ली में, इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली में, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा वो बनेगा बी ऑप्शन, न्यू दिल्ली में हुई है जो डिफेंस इनोवेशंस कॉन्फ्रेंस हुई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में। अगर पूछा जाए, ये तो बात है 2019 की, अगर पूछा जाए 2020 की कहाँ होगी, 2020 की जो होगी वो होगी लखनऊ में, जो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, यहाँ पर होगी 2020 की, 2019 की है न्यू दिल्ली में। अगर पूछा जाए इसमें जो चीफ गेस्ट थे वो कौन थे, वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह थे, जिनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है लखनऊ, ये हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो हैं राजनाथ सिंह, इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है लखनऊ, और ये चीफ गेस्ट थे 2020 की डेफ कनेक्ट कहाँ होगी, लखनऊ में, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन, नेशनल एजुकेशन डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट एवरी ईयर। जो नेशनल एजुकेशन डे है ये हर साल किस डेट को मनाया जाता है इंडिया में, ये बात है नेशनल एजुकेशन डे की। ये आपके ऑप्शन है 11 नवंबर, 12 नवंबर, 13 नवंबर, 14 नवंबर। जो नेशनल एजुकेशन डे है ये मनाया जाता है इंडिया में 11 नवंबर को, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन, 11 नवंबर को हर साल मनाया जाता है नेशनल एजुकेशन डे, इसलिए हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन 11 नवंबर। इस दिन बड़े होता है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का, ये भी आपने याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है जो नेशनल एजुकेशन डे है ये किसके पर्सन के बर्थडे पर मनाते हैं, उसका आंसर होगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिया के, ये भी आपने याद रखना है। जो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने थे उसका नाम है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ये पैदा हुए थे 11 नवंबर को, इसलिए इनके बर्थडे पर हम हर साल मनाते हैं नेशनल एजुकेशन डे, ये याद रखिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, हु वाज अवार्डेड द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटीज़ जॉर्ज स्कॉलर लाइफ टाइम अवार्ड इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन साइंस। किसको ये अवार्ड दिया गया है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी का अवार्ड है जिसका नाम है जॉर्ज स्कॉलर लाइफ टाइम अवार्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन साइंस के लिए। इन्होंने इसके लिए काफ़ी अच्छा काम किया है, इसलिए इनको वाइल्ड लाइफ के लिए एक अवार्ड दिया गया है जिसका नाम है स्कॉलर जॉर्ज लाइफ टाइम अवार्ड। ये आपके चार ऑप्शन हैं, के उल्लास करंथ, राजीव पिल्ले, उसके बाद थर्ड ऑप्शन है राजीव जैन, लास्ट ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन रीता देसाई।
वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी के द्वारा जो जॉर्ज स्कॉलर लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया है, ये दिया गया है के उल्लास करंथ को। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन, के उल्लास करंथ को दिया गया है जो जॉर्ज स्कॉलर लाइफ टाइम अवार्ड है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन साइंस का। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन, के उल्लास करंथ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए ये नवंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करवा रहा हूँ इस वीडियो में मैं आपको, जितने भी इंपॉर्टेंट लगे मुझे मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं 5 से 6 क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रिक एयरप्लेन अनवील्ड बाय नासा। सबसे पहले नासा जो स्पेस एजेंसी है वो है यूएसए की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है नासा, और जो चाइना की स्पेस एजेंसी है उसका नाम है सी एन एक्स ए। ये है चाइना की नेशनल स्पेस एजेंसी, याद रखिए यहाँ पर ऐसा आएगा CNSA। ये है चाइना की, अगर पूछा जाए जापान की कौन सी है उसका आंसर होगा जैक्सा जो है ये है जापान की नेशनल स्पेस एजेंसी, और जो इंडिया की है उसका आंसर है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये है स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया। ये आपके चार के चार इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इन्होंने ये पूछा है जो फर्स्ट इलेक्ट्रिक एयरप्लेन है जो नासा ने अनवील किया है, लॉन्च किया है, ये इसका क्या नाम है। आपके ऑप्शन है ए ऑप्शन X-34 मैक्सवेल, सेकेंड ऑप्शन है आपका G-27 मैक्सवेल, उसके बाद थर्ड ऑप्शन है Y-57 मैक्सवेल, लास्ट ऑप्शन है आपका Z-66 मैक्सवेल। नासा का जो फर्स्ट इलेक्ट्रिक एयरप्लेन है उसका नाम है X आएगा यहाँ पर X-57 मैक्सवेल। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन, X-57 मैक्सवेल जो है ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक एयरप्लेन है जिसको अनवील किया है नासा ने। इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन X-57 मैक्सवेल। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द सेकेंड फास्टेस्ट इंडियन टू स्कोर 2000 रन्स इन वनडे इंटरनेशनल। जो वनडे इंटरनेशनल है इसमें जो 2000 रन बनाने वाला सेकेंड फास्टेस्ट प्लेयर कौन बना है। आपके ऑप्शन है स्मृति मंधाना, उसके बाद मिथाली राज, थर्ड ऑप्शन है आपका विराट कोहली, लास्ट ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन शिखर धवन। जो ये प्लेयर बने हैं उनका नाम है स्मृति मंधाना। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन, स्मृति मंधाना जो हैं ये सेकंड फास्टेस्ट इंडियन बने हैं जिन्होंने 2000 रन बनाए हैं वनडे इंटरनेशनल मैचेस में। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन, स्मृति मंधाना ने बनाए हैं ये स्कोर। अगर पूछा जाए, ये तो बात है सेकंड फास्टेस्ट की, अगर पूछा जाए फर्स्ट फास्टेस्ट कौन बने थे उसका आंसर होगा शिखर धवन। जो शिखर धवन हैं ये फास्टेस्ट इंडियन बने थे जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल में 2000 रन बनाए थे सबसे पहले। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन, अगर पूछा जाए फर्स्ट उसका आंसर होगा शिखर धवन, बट इन्होंने पूछा है सेकंड, इसलिए आपको मार्क करना है स्मृति मंधाना। नेक्स्ट देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन इनोग्रेटेड FSSAI's नेशनल फूड लेबोरेटरी इन विच सिटी ऑफ यूपी। उत्तर प्रदेश की कौन सी सिटी में जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इनके द्वारा एक नेशनल फूड लेबोरेटरी बनाई गई है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसको इनोग्रेट किया है, लॉन्च किया है। आपके ऑप्शन है गाजियाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, यहाँ पर RV आएगा गोरखपुर, लास्ट ऑप्शन आपका देवरिया। ये आपके चार ऑप्शन हैं, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन, गाजियाबाद में लगाई गई है जो ये नेशनल फूड लेबोरेटरी है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन, गाजियाबाद। FSSAI ने रिसेंटली न्यू रूल बनाए हैं, आप सभी ने करंट अफेयर में पढ़े होंगे, रूल बनाए हैं इन्होंने। इन्होंने बोला है अगर 50 मीटर के एरिया में कोई भी जो स्कूल कैंपस है उसके 50 मीटर स्क्वायर मीटर के एरिया में अगर कोई जंक फूड वगैरह सेल करता है उसको बंद करना है। यानी कि इन्होंने टारगेट रखा है कि जो 50 मीटर का एरिया है इसके स्कूल का जो एरिया होता है कॉलेज का उसके अंडर कोई भी जंक फूड नहीं सेल किया जाएगा। ये डेडलाइन दी है FSSAI ने, ये भी आपने याद रखना है। और जो FSSAI है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनके जो चेयरमैन है यानी कि चीफ है उनका नाम है रीता टियोटिया जो हैं, ये हैं चीफ ऑफ, रीता टियोटिया चीफ हैं FSSAI के फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि LPAI, शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं LPAI, लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के न्यू चेयरमैन कौन बने हैं रिसेंटली। आपके ऑप्शन है AK सिंह, आदित्य मिश्रा, गुरुप्रसाद मोहपात्रा, और लास्ट ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन अरविंद सिंह। लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो न्यू चेयरमैन बने हैं उनका नाम है आदित्य मिश्रा।
इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा बी ऑप्शन। आदित्य मिश्रा जो हैं ये लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के न्यू चेयरमैन बने हैं रिसेंटली। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए। यहीं से एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाएगा, ये है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भी रिसेंटली 2019 में ही अपॉइंट हुए हैं न्यू चेयरमैन, उनका नाम है अरविंद सिंह। अरविंद सिंह ने रिप्लेस किया है गुरु प्रसाद मोहपात्रा को, गुरु प्रसाद मोहपात्रा को रिप्लेस किया है अरविंद सिंह ने। और जो प्रेजेंट में चेयरमैन हैं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, उनका नाम है अरविंद सिंह। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के दोनों याद रखिए, आ सकते हैं आपके एग्जाम में। अगर पूछा जाए एयर इंडिया के चेयरमैन कौन है, उनका नाम है अश्विनी लोहानी। इनको कन्फ्यूज नहीं करना है, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन है अरविंद सिंह, लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं आदित्य मिश्रा, और लास्ट है जो एयर इंडिया इसके चेयरमैन हैं अश्विनी लोहानी। याद रखिए, कन्फ्यूज नहीं होना है इन सभी में। नेक्स्ट देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, हु हैज़ वन द वुमेन्स सिंगल्स टाइटल एट द WTA फाइनल्स 2019। जो वुमेन्स सिंगल्स हुआ है 2019 का, जिसको बोलते हैं WTA फाइनल्स 2019, इसको किसने जीता है, कौन सी वुमेन ने जीता है। आपके ऑप्शन है अश्ले बाटी, एलिना स्वितोलिना, उसके बाद थर्ड ऑप्शन है नॉमी ओसाका, लास्ट ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन साइमोना हलेप। जो जे WTA फाइनल है 2019 का, इसको जीता है अश्ले बाटी ने, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन, अश्ले बाटी ने जीता है जो 2019 का WTA फाइनल्स हुआ है वुमेन्स सिंगल टाइटल, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन, अश्ले बाटी। ये हैं ऑस्ट्रेलिया की, काफ़ी बार ये पूछ लेते हैं कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं अश्ले बाटी, उसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं अश्ले बाटी। एक साल में टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ये आप सभी को पता होगा, चारों के चारों सुपर इंपॉर्टेंट होते हैं, कम से कम एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, इसलिए मैं आपको सारे के सारे जो ग्रैंड स्लैम है 2019 के उनके जो विनर हैं उनके नाम बता देता हूँ, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। सबसे पहले आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये खेला जाता है हार्ड कोर्ट के ऊपर, यानी कि जो सख्त होता है, सख्त जो कोर्ट होता है उस पर खेला जाता है जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। उसके बाद आपने याद रखना है जो मेंस विनर रहे हैं 2019 के, उनका नाम है नोवैक जोकोविच। नोवैक जोकोविच जो हैं ये सर्बिया के हैं, सर्बिया कंट्री के हैं जो नोवैक जोकोविच हैं, ये विनर रहे हैं मेंस कैटेगरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 के। उसके बाद बात करें अगर वुमेंस की, तो याद रखना है आपने नोमी ओसाका, जो नोमी ओसाका हैं ये विनर रही हैं 2019 के वुमेंस सिंगल में ऑस्ट्रेलियन ओपन की, ये याद रखिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है फ्रेंच ओपन, यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद होता है फ्रेंच ओपन। जो ये खेला जाता है वे ये पूछते हैं किस कोर्ट पे खेला जाता है, उसका आंसर होगा क्ले कोर्ट। जो फ्रेंच ओपन है 2019 का ये किस पर खेला गया है, क्ले कोर्ट पर। उसके बाद याद रखना है आपने जो मेंस विनर है 2019 का, इसको किसने जीता है, इसको जीता है रफाल नडाल ने। रफाल नडाल जो हैं स्पेन के हैं, स्पेन के प्लेयर हैं जो रफाल नडाल हैं। और जो वुमेन्स विनर रही हैं उनका नाम है अश्ले बाटी, मैंने ऊपर भी आपको बताया ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, इन्होंने ही जीता है अश्ले बाटी ने फ्रेंच ओपन, और जो ऊपर बताया मैंने WTA फाइनल्स 2019, ये भी आपने याद रखना है। अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट की, वो आता है विंबलडन। अगर पूछा जाए टेनिस में सबसे बड़ा टूर्नामेंट कौन सा होता है, उसका आंसर होगा विंबलडन। विंबलडन इज़ द हाइएस्ट टूर्नामेंट इन टेनिस, ये भी आपने याद रखना है। ये खेला जाता है ग्रास कोर्ट के ऊपर, जो विंबलडन है ये खेला जाता है ग्रास कोर्ट के ऊपर। और जो मेंस विनर रहे हैं 2019 के ये रहे हैं नोवैक जोकोविच, जो ऑस्ट्रेलियन के भी विनर रहे हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और विंबलडन के विनर सेम रहे हैं नोवैक जोकोविच, ये सर्बिया के हैं, ये मैंने आपको ऊपर भी बताया है। और वुमेन्स विनर जो हैं 2019 की, उनका नाम है साइमोना हलेप। साइमोना हलेप हैं विनर्स 2019 की वुमेन्स के विंबलडन के लिए, और मेंस हैं नोवैक जोकोविच। नेक्स्ट लास्ट आता है हमारा चौथा जो टूर्नामेंट होता है हार्ड कोर्ट पर ही खेला जाता है, US ओपन। US ओपन सबसे लास्ट में खेला जाता है, ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। जो मेंस विनर रहे हैं इसमें वो रहे हैं रफाल नडाल। रफाल नडाल ये विनर रहे हैं 2019 के मेंस विनर के, US ओपन 2019 के। और जो बात की जाए अगर वुमेन्स विनर की, इसके विनर रहे हैं बियांका एंड्रेस्कू। बियांका एंड्रेस्कू जो हैं ये विनर रही हैं 2019 के US ओपन की वुमेन्स कैटेगरी में। ये चार के चार जो टूर्नामेंट होते हैं सुपर इंपॉर्टेंट होते हैं, एक क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जो हाई कोर्ट था उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक उसका जो आंसर था वो था नोवैक जोकोविच, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है उन्होंने पूछा कौन सा था, इनके अलावा पूछा था उन्होंने एक टूर्नामेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन। द नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन फॉर डिसऑर्डर्स वाज रिसेंटली लॉन्च इन विच सिटीज। जो नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है यूनानी मेडिसिन फॉर स्किन डिसऑर्डर्स का, ये कहाँ पर लगाया गया है, कहाँ पर लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन है हैदराबाद, अमरावती, थर्ड ऑप्शन है आपका न्यू दिल्ली, लास्ट ऑप्शन है आपका कानपुर। डी ऑप्शन है कानपुर। जो नेशनल इंस्टीट्यूट है यूनानी मेडिसिन फॉर स्किन डिसऑर्डर के लिए, ये लगाया गया है हैदराबाद में, जो तेलंगाना की कैपिटल है। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन, हैदराबाद में लगाया गया है जो नेशनल इंस्टीट्यूट है यूनानी मेडिसिन का स्किन डिसऑर्डर के लिए। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन, हैदराबाद। जो अगर पूछा जाए अगर आपसे कि वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन सिटी कौन सी है, ये है कानपुर। कानपुर जो है ये वर्ल्ड की सबसे पोल्यूटेड सिटी है, जो अभी रैंकिंग आई है 2019-20 की, 2019-20 के ईयर में रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, उसके अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी है उसका नाम है कानपुर, जो उत्तर प्रदेश का शहर है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। अगर बात की जाए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन की, ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये लोकेटेड है गाज़ियाबाद में। जो स्किन डिसऑर्डर के लिए है वो है हैदराबाद में, जो यूनानी मेडिसिन के लिए है उसका आंसर होगा गाज़ियाबाद। दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट देखिए 25 नंबर क्वेश्चन। द थर्ड एडिशन ऑफ ग्लोबल आयुर्वेदा समिट 2019 वाज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। जो थर्ड एडिशन हुआ है ग्लोबल आयुर्वेदा समिट का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओपनिंग फिल्म वाला क्वेश्चन आपने बिल्कुल नहीं भूलना है। ओपनिंग फिल्म हुई थी, यानी कि ओपनिंग सेरेमनी में जो फिल्म दिखाई गई थी उसका नाम है डिस्पाइट द फोग। अगर बात की जाए क्लोजिंग फिल्म की, यानी कि क्लोजिंग फिल्म कौन सी दिखाई गई थी जब ये जो फेस्टिवल हो रहा है वो समाप्त हुआ था, उसका आंसर होगा मार्गे एंड हर मतर। उसके बाद अगर पूछा जाए फोकस कंट्री, ये तो सुपर इंपॉर्टेंट है, ये तो आ ही सकता है आपके एग्जाम में। फोकस कंट्री रहा है रशिया, रशिया जो है वो फोकस कंट्री रहा है। जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ है इंडिया की स्टेट गोवा की कैपिटल पणजी में। उसके बाद अगर पूछा जाए जो जूरी है उसका हेड कौन था, उसका आंसर होगा जॉन बेली। जॉन बेली जो है ये है जूरी का हेड। नेक्स्ट बात की जाए गोल्डन पिकॉक अवार्ड, ये एक फिल्म है जिसका नाम है पार्टिकल्स, ये फिल्म है फ्रेंच की, इसको अवार्ड मिला है जिसका नाम है गोल्डन पिकॉक अवार्ड। ये सुपर इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। पिकॉक अवार्ड जो दिया गया है उसका आंसर होगा पार्टिकल्स मूवी को, ये फ्रेंच की मूवी है, इसको डायरेक्ट किया है ब्लेस होरिसन ने इसको डायरेक्ट किया है पार्टिकल्स मूवी को। उसके बाद अगर बात की जाए बेस्ट डायरेक्टर कौन रहे हैं इस मूवी में, इस फिल्म फेस्टिवल में, उसका आंसर होगा लिजो जोस जो हैं ये बेस्ट डायरेक्टर रहे हैं इस फिल्म फेस्टिवल में। उसके बाद अगर बात की जाए बेस्ट एक्टर की, बेस्ट एक्टर को बोलते हैं यानी कि जो बेस्ट एक्टर होता है इसके लिए एक अवार्ड दिया जाता है, उसका नाम होगा सिल्वर पीकॉक। उसी तरह बेस्ट एक्ट्रेस के लिए सिल्वर पीकॉक का अवार्ड इन्हें भी दिया जाता है। बेस्ट एक्टर के लिए जो सिल्वर पीकॉक का अवार्ड मिला है वो मिला है विनोद जोस को। उसके बाद अगर बात की जाए वुमेंस कैटेगरी में, यानी कि बेस्ट एक्ट्रेस, वो मिला है उषा यादव को मिला है बेस्ट एक्ट्रेस। बेस्ट एक्टर है विनोद जोस। नेक्स्ट बात की जाए अगर स्पेशल जूरी अवार्ड किसे दिया गया है, जो स्पेशल जूरी अवार्ड दिया गया है ये एक मूवी है जिसका नाम है बैलून। जो मूवी है इसको स्पेशल जूरी अवार्ड दिया गया है, ये चाइनीज़ की मूवी है, यानी कि चाइना की मूवी है जो बैलून मूवी है। इसके स्पेलिंग आप अच्छे से नोट कर लें, क्योंकि दो तीन मूवी और भी हैं बैलून जैसे ऐसे डाल के मूवी बनी हुई हैं, इसलिए आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, इसके स्पेलिंग आप चेक कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट बात की जाए अगर द ICFT, इसके लिए जो गांधी मेडल दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा, ये मिला है रवांडा मूवी को, रवांडा फिल्म को दिया गया है, ये भी याद रखिए। वैसे तो तीन चार क्वेश्चन ही इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले ये कौन सा एडिशन था और इसको किस स्टेडियम ने होस्ट किया था, श्याम प्रसाद मुखर्जी बैनर्जी। उसके बाद ये दो ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी में जो वीडियोज़ दिखाई गई हैं, फिल्म दिखाई गई हैं वो। उसके बाद फोकस कंट्री, उसके बाद गोल्डन पीको का अवार्ड वाला, उसके बाद बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस। बस इससे ज़्यादा आपको याद रखने नहीं होते हैं, अगर इनमें से क्वेश्चन आता है तो इन्हीं में से पूछा जाता है। उसके बाद अगर बात की जाए 27वें नंबर क्वेश्चन की, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन हु रिसीव नोबेल प्राइज़ इन पीस। फर्स्ट इंडियन कौन बने थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था पीस कैटेगरी में, ये आपके चार ऑप्शन हैं, राजेंद्र पचौरी, उसके बाद कैलाश सत्यार्थी, मलाला यूसुफ़ जय और लास्ट ऑप्शन है आपका मदर टेरेसा।
जो नोबेल प्राइज पीस के लिए इंडिया के लिए नामांकन हुआ था वो हुआ था मदर टेरेसा को। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा वो बनेगा डी ऑप्शन, मदर टेरेसा को मिला था जो फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला था पीस के लिए इंडिया के लिए। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा वो बनेगा डी ऑप्शन, मदर टेरेसा। अगर पूछा जाए किस ईयर में मिला था, उसका आंसर होगा 1979, 1979 में मिला था जो मदर टेरेसा हैं। अगर पूछा जाए इससे इसके बाद किसे मिला है, उसका आंसर होगा 2014, 2014 जो में मिला है कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी जो हैं इनको 2019 में ये अवार्ड दिया गया है, यानी कि नोबेल प्राइज़ पीस के लिए 2014 में मिला है कैलाश सत्यार्थी को, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर क्वेश्चन, द साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन वाज फाउंडेड ऑन। जो सार्क है, इन शॉर्ट बोलते हैं सार्क, इसकी फुल फॉर्म आपने याद रखनी है, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, ये कब फाउंड हुई थी। आपके ऑप्शन है 8 दिसंबर 1985, 6 दिसंबर 1986, 8 दिसंबर यहाँ पर 1987 आएगा। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन, 11 जनवरी 1999। जो सार्क है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, ये फाउंड हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन, 8 दिसंबर 1985 को बनी थी जो सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या मुझे आप कमेंट में लिख के ये बता सकते हो, जो सार्क है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर लोकेटेड है, यानी कि कौन सी कंट्री में लोकेटेड है, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप आप सभी इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जरूर अटेम्प्ट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, सुधीरमन कप जो है ये कौन सी स्पोर्ट्स से एसोसिएट है। आपके ऑप्शन है बैडमिंटन, कबड्डी, फुटबॉल और लास्ट है टेनिस। जो सुधीरमन कप है, ये जो कप है ये किस स्पोर्ट से है, ये है बैडमिंटन से एसोसिएट। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन, बैडमिंटन से एसोसिएट है जो ये सुधीरमन कप है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन, बैडमिंटन। मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ जो बैडमिंटन से एसोसिएट कप हैं वो कौन कौन से हैं, क्योंकि कम से कम एक क्वेश्चन इसमें से भी आता है ज़रूर। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ जो बैडमिंटन से एसोसिएट कप्स हैं, उसके बाद अगली में बता दूंगा कबड्डी से, फुटबॉल से, इसी तरह मैं आपको सारे के सारे जो कप्स हैं वो याद करवा दूंगा। सबसे पहले आपने याद रखना है दीवाना कप, जो दीवाना कप है ये एसोसिएट है बैडमिंटन से। उसके बाद सुधीरमन कप जैसा मैंने आपको क्वेश्चन में बताया, उसके बाद रहमतुल्ला कप, नारंग कप, चड्डा कप, थॉम्स कप एंड उबर कप। आई थिंक उबर कप लास्ट ईयर पेपर में भी आया था जो आपका एग्ज़ाम हुआ था चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क का, इसलिए आपने याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जितने भी पिछले 10 सालों में बैडमिंटन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इससे बाहर क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं गया है, इसलिए आपको ये 7 जो कप्स हैं इन्हीं को याद रखना है। मैं रिपीट कर देता हूँ जल्दी से, दीवाना कप, सुधीरमन कप, रहमतुल्ला कप, नारंग कप, चड्डा कप, थॉम्स कप एंड उबर कप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 30th नंबर क्वेश्चन, हु हैज़ वन द आबू धाबी ग्रैंड पिक्स चैंपियनशिप्स 2019। 2019 का जो आबू धाबी ग्रैंड पिक्स चैंपियनशिप हुई है इसको किसने जीता है। आपके ऑप्शन है लेविस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टैपन, सेबेस्टियन बैटल, लास्ट ऑप्शन है आपका वल्तारी बोत्तस। जो आबू धाबी ग्रैंड पिक्स चैंपियनशिप्स हुई है 2019 की, इसको जीता है लेविस हैमिल्टन ने। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन, लेविस हैमिल्टन ने जीती है जो आबू धाबी ग्रैंड पिक्स चैंपियनशिप्स है 2019 की, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन, लेविस हैमिल्टन। जो भी इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, सबसे पहले 21 जो फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप्स होती हैं हर साल, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, जो 21 के 21 हैं 2019 में वो हो चुके हैं, सारे के सारे आप देख सकते हो। उसमें आपने 4-5 नाम ही याद रखने हैं, क्योंकि 4-5 नाम ने जो हैं प्लेयर जो हैं यानी कि जो ड्राइवर हैं इन्हीं के द्वारा जो 21 ग्रैंड चैंपियनशिप्स होती हैं इनको जीता जाता है। इसलिए मैं आपको इनका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, उस वीडियो को भी आप जरूर देखें, क्योंकि इस टॉपिक से कम एक क्वेश्चन जरूर आता है। जो फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप्स होती हैं हर साल 2021, उस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करवाए हैं सारे के सारे जो फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप्स होते हैं हर साल, उसमें मैंने आपको सारे बताए हैं जो यानी कि कौन कौन से जो ड्राइवर हैं, कौन कौन सी जो चैंपियनशिप्स है वो जीती है, और वो कौन कौन सी कार चलाते हैं, वो कौन सी स्टेट से कंट्री से बिलोंग करते हैं, सारा कुछ अच्छे से कवर करवाया हुआ है। आप उस वीडियो को जरूर देखें, उसका मैं लिंक भी उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसको आप जरूर देखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 31st नंबर क्वेश्चन, पुलित्जर प्राइज़ इज़ अवार्डेड फॉर द आउटस्टैंडिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ। जो पुलित्जर प्राइज़ है ये अवार्ड दिया जाता है जो आउटस्टैंडिंग वर्क होता है किस फील्ड में। आपके ऑप्शन है इन्वायरमेंट स्टडीज़, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद थर्ड ऑप्शन है आपका लिटरेचर एंड जर्नलिज्म, लास्ट ऑप्शन है आपका इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। जो ये अवार्ड है जिसका नाम है पुलित्जर प्राइज़,
ये हर साल दिया जाता है, ये जो दिया जाता है ये कैटेगरी है लिटरेचर एंड जर्नलिज्म, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन, लिटरेचर एंड जर्नलिज्म कैटेगरी में जो हाईएस्ट अवार्ड दिया जाता है वो दिया जाता है पुलित्जर प्राइज़, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन, लिटरेचर एंड जर्नलिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट है याद रखिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पेट्रोलियम वैक्स, दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सी पेट्रोलियम वैक्स है, आपके ऑप्शन है पैराफिन वैक्स, बीस वैक्स, उसके बाद जोनोबा वैक्स, लास्ट ऑप्शन है आपका कार्नियोबा वैक्स, कार्नोबा, ये आपके चार ऑप्शन है, इसमें से जो पेट्रोलियम वैक्स है वो कौन सी है, वो है पैराफिन वैक्स, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन, पैराफिन वैक्स जो है ये है पेट्रोलियम वैक्स, इंपॉर्टेंट है याद रखिए, काफ़ी बारी ये क्वेश्चन एफ कैट के एग्जाम में पूछा जा चुका है, एफ कैट जो एयरफोर्स का एग्जाम होता है उस एग्जाम में काफ़ी बारी एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, सो याद रखिए जो पैराफिन वैक्स है ये पेट्रोलियम वैक्स है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, हु वॉज द पर्सन बिहाइंड कन्वर्जेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम अ ट्रेडिंग कंपनी इन टू रीजनल पावर, किसकी अध्यक्षता में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये एक रीजनल पावर में बदल गई थी, यानी कि कंपनी से इन्होंने सीधे इंडिया पर अधिकार कर लिया था, किसके अंडर में, आपके ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मुनरो और लास्ट ऑप्शन है आपका लॉर्ड वेल्सले, इसके लिए जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव की अध्यक्षता में जो ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी बन के आई थी इंडिया में, इन्होंने रीजनल जो पावर है वो एस्टैब्लिश कर ली थी इंडिया में इसकी अध्यक्षता में, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन, रॉबर्ट क्लाइव, ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 10 एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, सो आपने बिल्कुल याद रखना है, बार बार रिपीट करते हैं ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में जरूर देखोगे, क्योंकि आप सभी को पता है जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क का एग्ज़ाम होगा कम से कम 5 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे पॉलिटी से जो जीके का वाला पार्ट है, 5 क्वेश्चन हिस्ट्री से, 5 पॉलिटी से, उसके बाद 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर से, ये तो फिक्स हैं, इनमें से तो आएंगे ही आएंगे, ये आपने क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना है। नेक्स्ट देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय, जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है इसको किसने डिस्कवर किया था, आपके ऑप्शन है ए ऑप्शन हेनरी बैकरल, सेकंड ऑप्शन है मैरी क्यूरी, थर्ड ऑप्शन है आपका एनरिको फर्मी, लास्ट ऑप्शन है आपका अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ये आपके चार ऑप्शन हैं, जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है इसको डिस्कवर किया था हेनरी बैक्यूरल ने, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन, हेनरी बैक्यूरल ने डिस्कवर किया था जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन, हेनरी बैक्यूरल, इस टाइप से भी क्वेश्चन आप एक जरूर देखोगे जो डिस्कवर हुई हैं जो भी चीज़ें, जैसे रेडियो एक्टिविटी, इस तरह के क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर देखोगे, चाहे आपका एग्जाम PSPCL हो, चाहे आपका एग्ज़ाम चंडीगढ़ का हो, क्लर्क का, स्टेनो का, एडमिनिस्ट्रेशन का, दोनों में से कोई भी एग्ज़ाम हो कम से कम एक क्वेश्चन जरूर आएगा इस टॉपिक से, जितने भी डिस्कवरी हैं सभी को याद करके जाइए, एक क्वेश्चन आप अपने एग्ज़ाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आया 35 नंबर क्वेश्चन, हु वॉज द वाइस रॉय वैन द साइमन कमीशन विजिटेड इंडिया, उस समय इंडिया के वाइस रॉय कौन थे जब जो साइमन कमीशन थे इंडिया में विजिट करा था उन्होंने, आपके ऑप्शन है लॉर्ड रेनिंग, लॉर्ड वेलिंगटन, थर्ड ऑप्शन है आपका लॉर्ड चेल्म्सफोर्ड, लास्ट ऑप्शन है आपका लॉर्ड इरविन, जब साइमन कमीशन ने इंडिया में विजिट किया था उस समय जो वाइस रॉय थे इंडिया के उनका नाम था डी ऑप्शन लॉर्ड इरविन, उस समय लॉर्ड इरविन थे जो वाइस रॉय थे इंडिया के, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा वो बनेगा डी ऑप्शन लॉर्ड इरविन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है याद रखिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन, बचाओ आंदोलन, यहाँ पर बचपन आएगा, बचपन बचाओ आंदोलन इज एन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन वाज फाउंडेड बाय, जो बचपन बचाओ आंदोलन है BBA है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो चिल्ड्रन होते हैं यानी कि बच्चों के राइट होते हैं, अधिकार होते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करता है ये ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटेक्ट करता है उनके राइट्स को, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि बचपन बचाओ आंदोलन इसको किसने फाउंड किया था, आपके ऑप्शन है ए ऑप्शन कैलाश सत्यार्थी, आमिर खान, थर्ड ऑप्शन है आपका ओम प्रकाश गुज्जर, लास्ट ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन शांता सिन्हा, जो बचपन बचाओ आंदोलन है इसको फाउंड किया था कैलाश सत्यार्थी ने, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन, कैलाश सत्यार्थी ने फाउंड किया था इस ऑर्गेनाइजेशन को, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन कैलाश सत्यार्थी, जिनको 2014 में पीस के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था विद मलाला यूसुफ़ जाई, इसी ईयर में मलाला यूसुफ़ जाई को भी
एक अवार्ड दिया गया था जिसका नाम था नोबेल पीस प्राइज़ 2014 में। इन दोनों को मिला था, जो नोबेल प्राइज़ मिला था 2014 में पीस के लिए, एक तो थी मलाला यूसुफ़ज़ई और इंडिया की तरफ से जो थे वो थे कैलाश सत्यार्थी। 2014 में मिला था ये अवार्ड। अगर पूछा जाए आज तक के इस इतिहास में सबसे जो यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ विनर है उनका क्या नाम है, उनका नाम होगा अगेन जो ये हैं पाकिस्तान की नोबेल प्राइज़ विनर मलाला यूसुफ़ज़ई, ये यंगेस्ट विनर है नोबेल प्राइज़ की पीस के लिए, शांति के लिए। ये भी काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ चुका है। आपसे पूछा जाता है जो यंगेस्ट विनर है नोबेल प्राइज़ की वो कौन है, उसका आंसर होगा मलाला यूसुफ़ज़ई। ये आई थिंक 12 या 14 ईयर की थी जब इनको ये नोबेल प्राइज़ मिल चुका था। आप चेक कर लेना, 12 थी आई थिंक, पता नहीं 14 थी। नेक्स्ट देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, द लैंग्वेज ऑफ डिस्कोर्सेज ऑफ गौतम बुद्धा वास। जब गौतम बुद्धा का एम्पायर था उस समय जो लैंग्वेज यूज़ की जाती थी वो कौन सी थी। आपके ऑप्शन है पाली, भोजपुरी, संस्कृत, उसके बाद लास्ट ऑप्शन है आपका मगधी। उस समय जो लैंग्वेज यूज़ होती थी उसको बोलते थे पाली, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन, पाली जो है ये लैंग्वेज यूज़ होती थी उस समय में जब गौतम बुद्धा का राज था, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन, पाली लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडिया रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम रिट्रीटिंग मानसून। जब रिट्रीटिंग मानसून होते हैं उस समय जो रेनफॉल होती है इंडिया के कौन से पार्ट में होती है, इंडिया के जो रेनफॉल होती है। आपके ऑप्शन है तमिलनाडु कोस्ट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उसके बाद महानदी डेल्टा, लास्ट ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन, मालाबार कोस्ट। जब रिट्रीटिंग मानसून होती है उस समय जो सबसे ज़्यादा बारिश होती है वो होती है तमिलनाडु कोस्ट पर, इसलिए हमारा आंसर बनेगा ए ऑप्शन, तमिलनाडु कोस्ट पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है जब रिट्रीटिंग मानसून आता है, इसलिए हमारा आंसर बनेगा ए ऑप्शन, तमिलनाडु कोस्ट। यहीं से एक क्वेश्चन और पूछते हैं, जो कर्नाटका है ये भी सबसे ज़्यादा बारिश रिसीव करता है जब ये रिट्रीटिंग मानसून होता है। काफ़ी बारी पूछते हैं कर्नाटका ऑप्शन में देकर, कर्नाटका का कुछ पार्ट है जिसमें उस समय बारिश होती है जब रिट्रीटिंग मानसून होता है, ये भी आपने याद रखना है, तमिलनाडु कोस्ट और सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, ये याद रखिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, बिसाइड द कुतुब मॉस्क एंड कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक इज सेड टू हैव बिल्ट। जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं इनको माना जाता है कि इन्होंने कौन सी जो मीनार है या झोपड़ा है उसको बनवाया था बिसाइड्स ऑफ कुतुब मॉस्क और कुतुब मीनार, यानी कि इन दोनों को छोड़कर और कौन सा जो इन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाई थी। आपके ऑप्शन है अढ़ाई दिन का झोपड़ा, उसके बाद खिड़की मस्जिद, थर्ड है किला ई कुन्ना मॉस्क, लास्ट ऑप्शन है आपका खान ई जहां। जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक हैं ये स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर हैं, आप सभी को पता होगा कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं ये स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर हैं, इन्होंने स्टार्ट करवाई थी कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन, इसके साथ साथ इन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाई थी अढ़ाई दिन का झोपड़ा की, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन, अढ़ाई दिन का झोपड़ा भी था जो वो भी बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये लोकेटेड है अजमेर में, अजमेर है राजस्थान में, अजमेर राजस्थान में लोकेटेड है, वहाँ पर इन्होंने ये बनवाया था अढ़ाई दिन का झोपड़ा। एक कुवैत उल इस्लाम ये भी इन्होंने एक मॉस्क बनवाई थी न्यू दिल्ली में, ये भी आपने याद रखना है, कुवैत उल इस्लाम ये भी बनवाई थी दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ये भी आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन, इंडियन रूलर हु डिफीटेड ब्रिटिश इन देयर अर्ली स्टेज ऑफ रूल इन इंडिया वॉस। कौन से इंडियन रूलर थे जिन्होंने इंडिया के जो ब्रिटिश थे उनको हराया था एक वॉर में जब ब्रिटिश का रूल हो गया था इंडिया पर। आपके ऑप्शन हैदर अली, टिप्पू सुल्तान, महाराजा रणजीत सिंह, उसके बाद लास्ट ऑप्शन है आपका एस सिंधिया। ये इंडियन रूलर हैं हैदर अली, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन, हैदर अली जो हैं इन्होंने एक बैटल में हराया था जो ब्रिटिश आर्मी थी, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन, हैदर अली। अगर पूछा जाए कौन सी बैटल में हराया था उसका आंसर होगा फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार जो हुई थी इसमें हैदर अली ने इनको हरा दिया था ब्रिटिश को, ये हुई थी 1767 और 69 तक ये वॉर हुई थी, इसमें हैदर अली ने इस बैटल में ब्रिटिश को हरा दिया था। काफ़ी बारी पूछते हैं कौन सी बैटल में हराया था, तो आपने याद रखना है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, इसमें जो हैदर अली हैं इनके द्वारा
जीत हासिल की गई थी ब्रिटिश के ऊपर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट करते हैं ये क्वेश्चन। सो ये थे 40 क्वेश्चंस। 40 के साथ साथ हमने काफ़ी सारे और भी एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ के, मेरे हिसाब से आपने इस वीडियो में अगर आपने ध्यान से देखी है तो आपने कम से कम 200 के आसपास क्वेश्चन कवर किए होंगे, क्योंकि इतने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं इस वीडियो में जो आपके जी के पोर्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और आप सभी को पता है 40+1 यानी कि 40 क्वेश्चन तो मैं आपको सारे के सारे सॉल्व करवाता हूँ, और एक क्वेश्चन देता हूँ आपके लिए यानी कि जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करना होता है। आपका जो क्वेश्चन है वो है, आज थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा सर्च करें। आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। आपसे पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है। आपके ऑप्शन है गोवा अटेंड फुल स्टेटहुड इन 1987 यानी कि जो गोवा है इसको फुल स्टेट का दर्जा दिया गया था 1987 में, फर्स्ट स्टेटमेंट ये है। उसके बाद दीव इज़ एन आइलैंड इन द गल्फ ऑफ खंबात, जो दीव है ये एक आइलैंड है गल्फ ऑफ खंबात का, सेकेंड ये स्टेटमेंट है। थर्ड है दमन एंड दीव वर सेपरेटेड फ्रॉम गोवा बाय द 56th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो दमन एंड दीव हैं ये गोवा से अलग हुए थे इन द अमेंडमेंट ऑफ 56th जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की हुई थी। थर्ड स्टेटमेंट ये है। उसके बाद लास्ट है आपकी स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट, दादरा एंड नगर हवेली वर अंडर फ्रेंच कॉलोनियल रूल टिल 1954, जो दादरा एंड नगर हवेली है ये फ्रेंच कॉलोनियल रूल के अंडर रही थी 1954 तक। ये चार स्टेटमेंट हैं, इनमें से आपकी एक स्टेटमेंट रॉन्ग है जिसका आपने मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप आप सभी इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जरूर अटेम्प्ट करोगे। सो ये थे 40+1 41 क्वेश्चंस। 41 क्वेश्चंस के साथ साथ काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स याद कीजिए जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, इसको नोट करके रखिए, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चाहे आपके जो दोस्त हैं वो PSPCL की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे आपके दोस्त चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क की तैयारी कर रहे हों, दोनों का एग्ज़ाम सेम पैटर्न का होता है। इसलिए चाहे तो चंडीगढ़ वाले हों एडमिनिस्ट्रेशन वाले वो इसको वीडियो को देख सकते हैं, चाहे PSPCL वाले हों वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है दोनों का जो GK का पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है। इसलिए आपको दोनों को एग्ज़ाम्स को ध्यान में रख के ही इस वीडियो को देखना है। मैं ये चाहता हूँ कि ये वीडियो सभी कैंडिडेट्स के पास पहुँचे जो भी इन दोनों में से कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों। ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब आप इस वीडियो को कम से कम 5 ग्रुप्स में शेयर करोगे। मैं चाहता हूँ जो भी पंजाब के कैंडिडेट्स हैं उनके पास ये वीडियो पहुँचनी चाहिए और उनका इससे फ़ायदा हो सके। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है, कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, आपका 100% रिप्लाई करूँगा और आपकी जो कन्फ्यूज़न है वो 100% क्लियर की जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक है जो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। काफ़ी स्टूडेंट्स बोलते हैं जो टेलीग्राम चैनल वाला लिंक है वो वर्क नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिए वाईफाई एजुकेशन, वाईफाई एजुकेशन के नाम से आप सर्च करना है। हमारा जो लोगो है वो उसी पर लगा होगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। सभी कैंडिडेट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि सभी जो PDFs होती हैं वो वहीं पर पोस्ट की जाती हैं। इसलिए आपको टेलीग्राम चैनल वाला जो ग्रुप है उसको ज़रूर ज्वाइन करना है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर भी पूछ सकते हो, दोनों के लिंक हैं जो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ से आप डायरेक्ट विजिट कर सकते हो। क्योंकि आप सभी जानते हैं जो आपका एग्ज़ाम होगा ये होगा 22 दिसंबर 2019 को संडे वाले दिन। मेरे हिसाब से कोई इस एग्ज़ाम की कोई डेट जो है वो चेंज नहीं होने वाली है, इसलिए आपको 22 दिसंबर 2019 के हिसाब से ही तैयारी करनी है। इसके बाद अगर बात की जाए PSPCL की, तो आप सभी को पता है जो PSPCL है इसकी भी डेट जो है वो अनाउंस हो चुकी है, दिसंबर मंथ में ही आपका एग्ज़ाम होगा PSPCL का। ये आपके पास न्यूज़ पहुंच चुकी होगी, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखना है। पहले आप सभी को पता है 10 मॉक टेस्ट मैंने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, जिसमें टोटल 30 वीडियो की एक प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है, उन वीडियो को कवर करना है, उनमें काफ़ी सारी आपको नॉलेज दी गई है। इन सभी मॉक टेस्ट को देखने के बाद आप जो ये स्पेशल मॉक टेस्ट सीरीज़ है इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ये डेली जो है
रात को 9 बजे लाइव होती है, रात को 9 PM पर आप इसे लाइव भी ज्वाइन कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप इसे रात को 9 बजे ही देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें समय तो नहीं प्रोवाइड करता किसी क्वेश्चन को रीड करने के लिए। मैं आपको जो ऑप्शन बताता हूँ उस समय में आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हो, यानी कि एक एज अ मॉक आप दे सकते हो एज अ ऑनलाइन। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप सपोर्टिंग वाईफाई एजुकेशन।